चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं पच्चीस माना कि वास्तविक संख्याओं के समुच्च में यानी यहाँ क्या है जी वास्तविक संख्याओं के समुच में देखना है एक्स रिलेटेड है वाई के साथ जहां इम्प्लायज एंड इम्प्लाइज भाई किस तरह से दिया है कि वन प्लस एक्स वाई इज ग्रेटर देन जीरो वन प्लस एक्स वाई इज ग्रेटर जीरो मतलब ऐसे दिया होगा तो इसका मतलब हुआ वन प्लस एक्स वाई जो होगा जीरो से बड़ा है से परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य और सम्मित है लेकिन संक्रामक नहीं है यानी कि आपको दिखाना है कि जो रिलेशन आर है वह रिफ्लेक्सिव हो जाएगा सिमेट्रिक हो जाएगा लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं कि रिलेशन आर किस तरह से है जी एक्स कम वाई के ऑर्डर पेयर में ऐसे लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि वन प्लस एक्स वाई इज ग्रेटर देन जीरो और एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर वास्तविक संख्याओं से मिल रहा है ठीक है जी चलिए इसको चेक करते हैं लिख देते हैं मान एक्स वाई जेड तीन वास्तविक संख्याएं हैं तीन वास्तविक संख्याएं हैं तीन वास्तविक संख्याएं हैं और ये यह भी यहाँ लिख देते हैं कि एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर चलिए एक एक करके देखते हैं पहला देखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव फॉर रिफ्लेक्सिव फॉर रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो यहाँ लिखते हैं एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर तो हो जाएगा जी बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ तो वन प्लस एक्स इंटू एक्स यानी कि वन प्लस एक्स स्क्वायर जो कि जीरो से तो बड़ा होगा ही क्योंकि एक्स की जगह कोई भी आप वास्तविक संख्या ले लो कोई भी वास्तविक संख्या कोई भी रियल नंबर रख लो स्क्वायर होगा तो प्लस में ही आएगा चाहे माइनस वाला रखो चाहे प्लस में रखो तो जब वन के साथ करेंगे जोड़ेंगे तो उसका क्या आएगा जी हमेशा जीरो से बड़ा ही होगा ये एकदम सही है इज ऑलवेज ट्रू इज ऑलवेज ट्रू ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिख रहा है दे आर फोर आर इज रिफ्लेक्सिव आर क्या है यहाँ रिफ्लेक्सिव है समझ के अब दूसरी बात आती है सीमेट्रिक की फॉर सीमेट्रिक फॉर सीमेट्रिक सिमेट्रिक। एक्स y वाई बिलोंग्स टू आर यानी मतलब हुआ कि वन प्लस एक्स वाई इज ग्रेटर देन जीरो तो अगर हम इसको ऐसे लिखे कि वन प्लस वाई एक्स इज ग्रेटर देन जीरो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है यानी कि यहाँ लिख सकते हैं वाई x एक्स भी बिलोंग कर रहा है आर से दे आर फोर दे फोर आर इज सिमेट्रिक आर क्या है यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन है चलिए सिमेट्रिक भी हो गया अब बच गया तीसरा ट्रांजिटिव ना फॉर ट्रांजिटिव फॉर ट्रांजिटिव के लिए तो ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए यहाँ पे आप आपको दिखाना है चलिए तो देखिए बहुत ही सिंपल है हम ले लेते हैं यहाँ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है ना एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर मतलब यह हुआ इसका कि ए, ए, वन प्लस सॉरी वन प्लस एक्स वाई इज ग्रेटर देन जीरो ठीक है एंड वन प्लस वाई जेड इज ग्रेटर देन जीरो तो यहाँ आप देख सकते हैं वन प्लस जरूरी नहीं है कि एक्स जेड जो हो वन प्लस एक्स जेड जीरो से बड़ा हो यह जरूरी नहीं है यानी कि एक्स कॉमा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर अब आप सोचोगे सर ये कैसे हुआ एग्जाम्पल से समझे यहाँ मान लेते हैं हम लोग यहाँ एग्जाम्पल में हमारे पास है एक एक्स और वाई क्या है जी रियल नंबर है ना तो एक रियल नंबर वन बाई टू लेते हैं और एक माइनस का वन बाई थ्री ले लेते हैं ये कहते हैं बिलोंग्स कर रहा है आर से एंड माइनस वन बाई थ्री बी होगा ना जी बी की जगह माइनस वन बाई थ्री और सी की जगह ले लेते हैं माइनस सिक्स ये भी तो बिलोंग्स करेगा आर से दोनों वास्तविक संख्या है ठीक है है कि नहीं और इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि वन प्लस एक्स वाई यानी कि वन बाई टू इंटू माइनस का वन बाई थ्री जाहिर सी बात है ये वन वन में से घटाएंगे यहाँ कितना six, तो जीरो से एंड इसका मीनिंग देखिए पे माइनस का वन बाई थ्री और इंटू में माइनस का जाएगा कट के दो आ जाएगा तो दो एक तीन ये भी जीरो से बड़ा आ जाएगा तो दोनों जीरो से बड़ा है दोनों जीरो से बड़ा है तो क्या है यहां पे आप देखिए वन प्लस एक्स इंटू जेड यानी कि वन बाई टू इंटू माइनस सिक्स इसको काटोगे क्या आएगा जी आ जाएगा यहाँ पे वन माइनस तीन यानी कि माइनस का दो जो कि जीरो से छोटा हो जा रहा है जीरो से छोटा हो जा रहा है जीरो से बड़ा नहीं हो रहा है जीरो से छोटा हो जा रहा है यानी इसका मतलब ही ना हुआ जी ये एक्स और जेड की जगह ही ना है था जी यानी कि यहाँ आप लिख रहे हैं कि वन बाई टू और माइनस सिक्स नॉट बिलोंग्स टू आर तो वही मीनिंग यहां पर आपको समझाया ठीक है दे आर फोर आर इज नॉट ट्रांजेटिव आर जो है ट्रांजेटिव नहीं है तो हर एक के लिए वेरीफाई होना चाहिए था ना हर एक रियल नंबर के लिए तो यहां पर यह नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन